हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक सैनी और आप देख रहे हैं विवूज ऑटो व्लॉग्स। तो स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे होंडा की नई नवेली या लगभग एक साल पुरानी सब कम्पैक्ट एसयूवी की। क्या इसको जैज का नया अवतार कहा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जैज ही कहा सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी सेम है, इंजन्स भी सेम है, फीचर्स भी लगभग सेम ही हैं। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो आपको इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, और वो है सनरूफ। तो सनरूफ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम लोग काफ़ी मरते हैं यार। हम लोगों की इंडियंस की पता नहीं मेंटेलिटी में सनरूफ ऐसे धंसा हुआ है कि मानो हर गाड़ी में सनरूफ होना ही होना चाहिए। एनीवे, लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट। इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं आज, देखेंगे कि इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं, क्या ये कम्पीट अच्छे तरीके से करती है अपने सेगमेंट में, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है नीचे दिया गया जो लाल बटन है ना, दबा दो यार उसको, और दबा के सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये जो रनिंग इंस्टाग्राम आईडी आ रही है ना नीचे, इसको भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, डिज़ाइन की बात करते हैं। इसका डिज़ाइन प्लेटफॉर्म मुझे तो काफ़ी कूल नज़र आता है, एक ऐसी लगती है कि कोई कूल बॉय जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए फेवरेबल है। तो पहले डिज़ाइन की बात करते हैं यार। देखो, फ्रंट एंड पे ना क्रोम का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको होंडा का लोगो भी नज़र आएगा, और जो इसका एयर डैम है वो हालांकि नीचे वाला तो छोटा ही है, ऊपर वाला आपको यहाँ पर हनीकॉम के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। प्योर हनीकॉम स्ट्रक्चर्स नहीं है, ऑल्दो स्कफ प्लेट सिल्वर कलर की ही दी गई है, बट ये एक मेटालिक स्कफ प्लेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने में आपको मदद करेगी। नीचे से ज़रूर इसके स्क्रैच आएंगे, बट हाँ, बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ गेटिंग इंजन कवर। नीचे से जो इंजन कवर है वो मेटालिक दिया गया है, तो आप अगर ऑफ रोड कर भी रहे हैं तो आपके इंजन चैम्बर या फिर ऑयल चैम्बर वगैरह को आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि बात करें कि इसके हेडलैम्प की, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं और ना ही वो LEDs हैं, तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड ज़रूर नज़र आती है जब हम हेडलाइट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बट हाँ, यू गेट अ कूल LED DRLs। जो इसके LED DRLs हैं वो ऑल्दो बहुत ज़्यादा नॉची नहीं है या बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नज़र नहीं आते। अगर मैं फ्रंट के करेक्टर लाइन्स की बात करूँ, तो यहाँ पर एरोडायनामिक शेप्स देने के लिए आपको यहाँ पर दो करेक्टर लाइन्स नज़र आएंगे इसके बोनट पर, एंड फॉग लैंप्स यूनिट भी आपको यहाँ पर हेलोजन ही नजर आएगी। तो फाइनली साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, और साइड प्रोफाइल की डिजाइन की बात करूँ ना, तो बहुत हद तक आपको जैज जैसी फीलिंग ही आएगी। हालांकि ये जो करेक्टर लाइन है ये आपको जैज में भी मिलती है, सेम डोर हैंडल्स मिलते हैं, एंड कीलेस या फिर पैसिव एंट्री भी यहाँ पर दी गई है। हालांकि ये जो होल है, अगर की होल की हम बात करें, तो यहाँ पर अगर माउंटेड होता तो ज़्यादा कूल नज़र आती। एनीवे, ORVMs में ही इंटीग्रेटेड है इसके टर्न इंडिकेटर्स। एंड अगर मैं टायर्स की बात करूँ, तो 195/60 रेडियल 16 इंचेस के इसके टायर्स हैं, और ये मशीन कट है। बेस्ट पार्ट इज़ यू गेट द मशीन कट इन द टॉप वेरिएंट। तो अगर आप VX वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको ये मशीन कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोज आर रियली लुकिंग वेरी नाइस। बट हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सेगमेंट की जितनी भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें 195 से ज़्यादा ही आपको थिकनेस में टायर्स मिलते हैं, 205 जैसे कि EcoSport में, या फिर मैं अगर Nexon की बात करूँ तो 215 के करीब आपको यहाँ पर इसके डायमेंशंस मिलते हुए नज़र आते हैं। देखिए, अगर आप रूफ रेल्स को देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी एक चंकी सिल्वरिश फिनिश देने की कोशिश की है, ऊपर ही माउंटेड है इसका सनरूफ भी। और अगर हम इस कार की लेंथ, विड्थ एंड हाइट की बात करें, तो 3999 यानी कि 4 मीटर के अंदर आती है, एक्साइज ड्यूटी से फ्री एकदम। और अगर मैं विड्थ की बात करूँ, तो 1734 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1601 मिलीमीटर का आपको यहाँ पर हाइट मिलता है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात की जाए, तो 188 मिलीमीटर की यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो डिसेंट ही है, बहुत अच्छी नहीं है। इसके कंपटीशन की बात करें तो आपको अच्छी खासी वहाँ पर ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है। वही व्हील बेस 2555 मिलीमीटर का आपको यहाँ पर मिलता है। तो देखिए, रियर प्रोफाइल में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, और रियर प्रोफाइल पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, तो ये जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी हद तक जहज जैसे ही आपको लगेंगी। स्प्लिटेबल हेडलैम्प्स हैं ऑलरेडी, यहाँ पर आपको LEDs नहीं मिलती हैं, सो दैट इज़ द सैड पार्ट। बट यस, ये जो ग्लॉसी फिनिश है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश है, ये आपको ज़रूर काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर भी थिक क्रोम स्प्लेटिंग दी गई है, ये भी एक एड ऑन करती हुई नज़र आ रही है। और रियर की जो स्कफ प्लेट है वो भी शानदार लग रही है यहाँ पर। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो वो आपको एज ए नेसेसरी के पार्ट में डलवाने पड़ेंगे। स्कफ प्लेट यहाँ पर भी मेटेलिक आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। सो लेट्स जस्ट मूव इनटू द इंटीरियर्स, और इंटीरियर में चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर यहाँ पर होंडा ने की है।
तो फिलहाल हम लोग गाड़ी के इंटीरियर्स में बैठे हैं और इंटीरियर्स आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो काफी अट्रैक्टिव इंटीरियर है इसका, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे लगेंगी कि जैज से कैरी फॉरवर्ड की गई है। जी हाँ, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जैज ही है इंटीरियर से। तो ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं ये सिल्वर एलिमेंट्स के साथ में एसी वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं एंड डैशबोर्ड्स पे जो माउंटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो पियानो फिनिश के साथ में आता है, तो पियानो फिनिश के अंदर उसको इंसर्ट किया गया है एंड इट इज अ फ्रेमलेस बॉडी। सो यहाँ पर आपको मैनुअल बटन्स भी दिए गए हैं, ऑल्दो इट इज अ 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बट द सैड पार्ट इज इट डजंट कम्स विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। बट हाँ, यहाँ पर आपको मिलर लिंक की फैसिलिटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड नेविगेशन जैसे फीचर्स आपको एड ऑन्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑक्स और ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। USB के प्लगइन्स एंड HDMI केबल आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक पावर आउटलेट भी यहीं पर दिया गया है। अगर मैं इसकी बॉटम कंसोल की बात करूं तो यहां पर आपको 2 कैन होल्डर्स मिलते हैं एंड एक वॉलेट होल्डर मिलता है। साथ ही अगर मैं इसकी गियर नॉब की बात करूं तो वो भी सिल्वर फिनिशिंग के अंदर ही इंसर्टेड है और वहां पर भी पियानो ट्रीटमेंट दिया गया है। जो आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग है वो डिसेंट नहीं है, उसकी पोजीशनिंग हल्की सी आगे होनी चाहिए थी ताकि आपका हाथ आराम से बैठ सके। देखिए अभी मैं यहाँ पर हाथ रख रहा हूँ तो गियर नॉब तक पहुँचते पहुँचते ये ख़त्म हो जा रहा है और ये मूवेबल भी नहीं है तो फिर आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो इट कम्स विद कैविटी और कैविटी के अंदर ही आपको पावर सप्लाई भी दिया गया है 12 वोल्ट का एंड USB सप्लाई भी दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं, दिस ग्लव बॉक्स डज नॉट कम विद अ कूल्ड ऑप्शन, सो इसमें कोई भी इल्यूमिनेशन भी नहीं है। सो ऑल्दो इसकी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी डिसेंट है, साइज काफ़ी अच्छा है। ऑटोमेटिक IRVM यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया है सैडली एंड ऑल्सो ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी आपका यहाँ पर ऑफर नहीं होते हैं, आप मैनुअली ही एडजस्ट कर सकते हैं इसके IRVMs। एंड यहाँ पर आपको 2 लाइट्स दी गई हुई हैं, रीडिंग लैम्प्स दिए गए हैं ताकि आप उनको यूज़ कर सकें। जिसका टॉप कंसोल है वहीं पर माउंटेड हैं कुछ स्विचेस। पहला स्विच जो है वो आपको सनरूफ के कंट्रोल्स देता है, तो मैंने सनरूफ के लिए ऑन कर दिया है एंड इट इज़ गोइंग बिहाइंड एंड उसी से आपको क्लोज करना पड़ेगा। पैसेंजर साइड में आपको एक मिरर मिलता है बट सैडली दैट डजंट कम्स इन द ड्राइवर साइड और ना ही आपको ड्राइवर साइड पे कोई भी कार्ड होल्डर यहाँ पर दिया गया है। प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर कैन होल्डर्स एंड बॉटल होल्डर्स दिख जाएंगे फ्रंट रो में भी एंड रियर रो में भी। फ्रंट रो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर साइड में भी एक कैन होल्डर दिया गया है। सैडली जो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो केवल डीजल वेरिएंट में ही आता है एंड क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको डीजल एंड में ही मिलेगा। सो द कार आई एम ड्राइविंग राइट नाउ इज अ डीजल वर्जन, सो इट इज इक्विप्ड विद क्रूज कंट्रोल एज वेल एज द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। जो स्टेयरिंग है इसका वो काफ़ी अच्छा है बट इट डजेंट कम्स विद थंब कंटूर और उसके ऊपर लेदर फिनिश भी नहीं दी गई है, तो सिल्वरिश ट्रीटमेंट के साथ में ही आता है एंड आई जस्ट फील कॉन्फिडेंट वाइल होल्डिंग दिस स्टीयरिंग व्हील। अब देखिए जब आप इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखेंगे ना तो ये काफ़ी हद तक आपको जैज एंड सिटी की याद दिलाएगा बिकॉज इट इज़ हैविंग द सेम यूनिट। और लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिलता है, राइट साइड में आपको MID दी गई है। MID बहुत कूल है, बहुत इंप्रेसिव है एंड बीच में ही आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। इसका स्पीडोमीटर है वो 220 की स्पीड मार्क करता है एंड साथ ही साथ उसके जस्ट नीचे बहुत सारे डैश सिंबल्स दिए गए हैं आप जो ऑन होते ही डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसकी MID है वो बहुत सारे कंट्रोल्स करती है, जैसे कि आपको फ्यूल गॉज भी यहीं पर दिया गया है इसकी MID के अंदर ही। देखिए जो इसका फुटरेस्ट है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे इंक्लाइंड नहीं है, तो एक फेक फुट रेस्ट दिया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आता वो देखने में। देखिए मैं रियर रो में इस टाइम हूँ और गाड़ी में एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम है, लेग रूम से मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, इवन द हेड रूम इज़ ऑल्सो अच्छा खासा। बट हाँ, जब आप बिल्कुल राइट कॉर्नर पे बैठेंगे ना तो आपको हेड रूम की कमी नज़र आएगी क्योंकि जो इसकी वॉल है वो इंक्लाइंड हो रही है यहाँ पर बॉटम पे। तो अगर आप राइट बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे बैठ रहे हैं, 5 जनों को अगर ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली सेकेंड रो में 3 लोग बैठेंगे एंड अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में बैठ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी हेड रूम जो है वो बहुत कम हो जाती है और यहाँ पर स्ट्राइक करती है। बट हाँ, जब आप 2 लोग कंफर्टेबली बैठ रहे हो तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम यहाँ पर। अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी ऑसम, तो अंडर थाई सपोर्ट के मैं मामले में बिल्कुल भी कमी नहीं कहूँगा। एंड हाँ, आई हैव फाउंड दिस कैबिन रियली स्पेशियस। होंडा की एंड मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलोसफी पे रियली होंडा हैज़ वर्कड अलॉट। एंड अब बात करते हैं इसके हेड रिस्ट्रेंस के। दिस इज़ द टॉप वेरियंट VX वेरियंट बट द हेड रिस्ट्रेंस आर नॉट एडजस्टेबल, सो दिस इज़ द सैड थिंग। एंड इसका जो फ्लोर हम्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो
तो शायद जो बीच में पर्सन बैठेगा उसको यहाँ पर पैर में यू नो मूव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। रियर में आपको कोई भी इस इवेंट नहीं मिलता है अनलाइक इट्स कॉम्पिटिशन नेक्सॉन। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या यूनिकनेस है इस गाड़ी के अंदर। LED DRLs ऑब्वियसली हर गाड़ी की तरह इसमें भी आते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आते हैं, यानी कि आपको वॉइस कमांड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के यहाँ पर माउंट्स मिलते हैं, साथ ही क्रूज कंट्रोल के भी माउंट मिलते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट स्टेयरिंग के साथ में ही आता है। डुअल एयर बैग्स एंड ABS विद EBD स्टैंडर्ड है। आप दो ही वेरिएंट है, दोनों में कोई भी वेरिएंट खरीदेंगे तो सेफ्टी के लिए आपको डुअल एयरबैग्स एंड ABS विद EBD जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। साथ ही इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि इंडियंस का सबसे फेवरेट है वो यहाँ पर दिया गया है, और जो इसकी USP भी है इस कार की, सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट इस गाड़ी का केवल सनरूफ की वजह से ही है। 16 इंचेस के आपको डायमंड कल एलॉय व्हील्स यहाँ पर मिलते हैं। जो इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मिरर लिंक के साथ में आता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फेदर टच फीचर के साथ में आता है, यानी कि आप उसको टच करके ही उसके कंट्रोल्स को अलाइन कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी ब्लोअर की स्पीड। कोई भी मैनुअल बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है। कीलेस एंट्री एंड इंजन गो का ऑप्शन आपको केवल डीजल वेरिएंट में ही मिलता है, यानी कि पेट्रोल वालों के लिए यहाँ पर क्रूज कंट्रोल एज वेल एज कीलेस एंट्री एंड गो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। सो दैट इज रियली सो सैड ऑफ होंडा कि आप लोगों ने क्यों डीजल में ही प्रेफरेंस दी। इन स्पाइट ऑफ इट आपको किसी भी एंड में रियर पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए हैं। हाँ, रिवर्स कैमरा जरूर आपको यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रिक रिट्रैक्ट मिरर्स के साथ में। डन। तो मैं फिर से इसके रियर एंड पे आ चुका हूँ। रियर एंड की बात अब बूट से करते हैं। तो विद इन अ क्लिक यू जस्ट ओपन दिस बूट, एंड बूट ओपन होते ही यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस। 363 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस दिया गया है, जो इसके कंपटीशन से ज़्यादा ही है। एंड अगर मैं बात करूँ लोडिंग लिप की, तो बहुत ही कम लोडिंग लिप यहाँ पर दिया गया है। तो आपको अगर कभी भी एयरपोर्ट से अपना लगेज वगैरह उठाना है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सो अगेन, मैं अगर इसकी स्पेयर व्हील की बात करूँ तो इट इज़ द सेम स्पेयर व्हील विथ छोटे डायमेंशंस, बट अलॉय व्हील्ड नहीं है, ये स्टील व्हील ही है। यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन का भी ऑप्शन मिलता है, तो एक इल्यूमिनेशन, ऑटोमेटिक इल्यूमिनेशन दिया गया है। एंड टूल किट आपकी नीचे ही माउंटेड है। तो इसके पावर प्लांट के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो इंजन स्पेसिफिकेशंस में आता है, पेट्रोल एंड डीजल। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। पेट्रोल एंड डीजल इंजन आपने ट्राइड एंड टेस्ट किया हुआ है होंडा जैज में, होंडा अमेज में, एंड इवन सिटीज शेयरिंग द सेम डीजल इंजन बट नॉट द पेट्रोल इंजन। देखिए, अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 89 PSP की पावर एंड 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो वही अगर डीजल वेरिएंट की बात करूं तो वो आपको 100 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। माइलेज फिगर्स में काफ़ी अंतर है। अगर पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज फिगर की बात करें या ARAE माइलेज फिगर की बात करें तो 17.5 के करीब आता है, और रियल लाइफ में ये करीब 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर के करीब निकालती है। तो डीजल इंजन इसका काफ़ी एफिशिएंट है एंड 25.5 KMPL का क्लेम करता है। तो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो 18 से 19 के करीब आपको डेली लाइफ में ये देता हुआ नज़र आएगा। इंजन स्पेसिफिकेशंस तो मुझे कूल लगे, लेकिन अब देखते हैं कि इसके ड्राइविंग स्पेक्स क्या कहते हैं। तो चलिए ड्राइव लेते हैं इस डीजल इंजन की। तो देखिए, हम चल चुके हैं एक टेस्ट ड्राइव पर, और गाड़ी को जैसे जैसे मैं पहचान पा रहा हूँ तो मुझे केबिन नॉइज़ ऑब्वियसली महसूस हो रही है। ये अमेज़ वाला ही डीजल इंजन है जो नई वाली अमेज़ में आया है, बट NVH लेवल्स अप टू अमेज़ मार्क नहीं है। आपको रोड नॉइज़ एज वेल एज इंजन नॉइज़ गाड़ी की केबिन के अंदर आती ही आती है। वाइब्रेशंस भी, हालांकि आप जैसे ही अगर आप खड़ी गाड़ी पे भी अगर आप इसके बोनेट को टच करेंगे तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी। हालांकि ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, बट हाँ, जब इसके NVHs की बात आती है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट हाँ, इट्स नॉट अप टू बहुत ज़्यादा लेवल। आपको ये स्कॉर्पियो की याद नहीं दिलाएगा या बुलेरो की याद नहीं दिलाएगा, बट हाँ, NVHs अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ होंडा इज़ टू अ लोअर साइड। अब देखिए, अंदर जब मैं बैठा था तो गियर शिफ्ट जैसे मैं कर रहा था तो काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्ट हैं, उनका प्ले भी छोटा है, उनका जो थ्रो है वो काफ़ी छोटा है, और जो इसके पैडल्स हैं स्पेसिंग काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है, चाहे वो क्लच पैडल और ब्रेक पैडल के बीच का गैप हो या फिर ब्रेक पैडल या एक्सीलेटर पैडल के बीच का गैप हो।
इसका जो रेड जोन है वो 4000 RPM है, तो 4000 RPM के ऊपर अगर आप चलाओगे तो आपको कुछ भी टर्बो जो है फ्रीली घूमेगा तब मज़ा नहीं आएगा। इसका जो मेन जोन है जहाँ पर आपको पावर महसूस होगी वो 1500 RPM से तकरीबन 3200 RPM के बीच बीच ही मज़ा आएगा। गाड़ी का बॉटम एंड काफ़ी स्ट्रॉन्गर साइड पे मैं कहूँगा, टर्बो जल्दी ही एक्टिवेट हो जाता है तो आपको कुछ भी लैग महसूस नहीं होता है गाड़ी में, और जैसे जैसे आप RPMs बढ़ाते हैं तो गाड़ी के अंदर एक एनर्जी सी आती है, गाड़ी ऐसा लगता है कि आपको टर्बो की असली फील उन RPMs में ही महसूस होती है जब आप 2000 RPM या 2500 RPM के आसपास चला रहे होते हैं। देखिए गाड़ी की विजिबिलिटी में काफ़ी मजबूती है, फ्रंट की विजिबिलिटी मुझे काफ़ी हद तक पसंद आई और साइड की विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। थिक ए पिलर होने के बावजूद भी आपको विजिबिलिटी अच्छी आएगी, लेकिन जो रियर की विजिबिलिटी है वो सी पिलर की वजह से घट जाएगी, तो आपको थोड़ी सी पीछे की विजिबिलिटी के ऊपर आपको ORVM एंड IRVM पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से इस गाड़ी का पिकअप शानदार रहेगा। ऑफ रोडिंग करते टाइम मुझे एक चीज़ और नज़र आई कि इसके जो सस्पेंशन यूनिट है वो थोड़ा सा सॉफ्टर एंड पर ही है, तो कुशन महसूस होता है जब आप गाड़ी को ऑफ रोड करते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बाउंस कर रही है गाड़ी। बट हाँ, जब आप रोड पर होते हो, हाईवे पे होते हो, तो कॉर्नरिंग एंड एजिंग करने में आपको यहाँ पर मजा आने वाला गाड़ी के साथ में। ऑब्वियसली देयर इज नेग्लिजिबल बॉडी रोल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। एक चीज जो बहुत ज्यादा इसमें मिसिंग है वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आई जस्ट विश होंडा कभी इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दे, बिकॉज होंडाज आर वेरी वेल नोन फॉर देयर सीवीटी ट्रांसमिशन, एंड वो अगर इस कार में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज सम लैग इन कार, जो ऑटोमेटिक के फेवर के यू नो कस्टमर्स हैं वो ऑब्वियसली फिर इसको हिट नहीं करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, बट हाँ, आपको कंपैरिजन अगर चाहिए इस गाड़ी का, कमेंट डालिए और बताइए मुझे कि आपको और कैसी किसी वीडियोस चाहिए। अगर इसका कंपैरिजन चाहिए तो मैं ऑब्वियसली बनाऊंगा। अगर आपको कोई और गाड़ी के लिए कोई भी डिमांड है या फिर कोई अच्छे से टॉपिक की आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हियर इज़ द इंस्टाग्राम ID प्रोवाइडेड टू यू, एंड वो लाल बटन को है ना दबा दो यार, सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ की आप तक पहुँचती रहे। Until for the next time, bye bye, take care and keep loving your car, drive safe.